अच्छा नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं मुफ्ती भाग गया कि नहीं 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 मुफ्ती साहब से यहाँ नहीं होना भाई, मुफ्ती साहब से यहाँ डिबेट नहीं होना है, यहाँ तो बस जो भी ईमान वाले हैं जो आएंगे उनको ये बोला जाएगा कि जनाब 9:30 बजे उनका क्या नाम है मुफ्ती साहब का प्रोग्राम शुरू होना है, तो वहां हाजिर रहिएगा और हम अपने तरीके के महारथी हैं। ठीक, कर पाओगे? आज आप इस नियत से आए थे, मुझे मालूम है। कोई नहीं, कोई नहीं, मुझे मालूम है। ये साहब आज बैठे हुए एक स्ट्रीम पर कह रहे थे, एक साहब ने मुझे जो है वो वीडियो भेजी कि मैं तो एक ऐसी दलील लेकर जा रहा हूँ, मुफ्ती साहब को पहले ही विकेट में, पहली बॉल में बोल्ड कर दूंगा। इसीलिए मैंने बोला, अगर एक बार बताओ, इसी आयत से साबित होता है कि इस्लाम में फोर्स कन्वर्जन नहीं है, क्योंकि जब सामने वाले ने जिजिया देकर आपका सबमिशन कबूल कर लिया तो उससे तो कलमा पढ़वाना बहुत आसान था, उससे कलमा क्यों नहीं पढ़वा रहे, क्यों उसका जिजिया ले लिया? अगर फोर्स कन्वर्जन इस्लाम, एक मिनट, अगर फोर्स कन्वर्जन इस्लाम में होता तो जिन लोगों ने जिजिया देकर इस्लाम की या मुसलमानों की मातहती कबूल कर ली, उनको तो तलवार की, उनसे तो कुछ भी नहीं करना था, उनको तो आंखें दिखानी थी, चलो भाई कलमा पढ़ो जल्दी से, कोई बात नहीं हो रही है। ये क्या कहा जा रहा, चूंकि सबमिशंस उन्होंने सरेंडर कर दिया, लिहाजा मजीद जंग नहीं होगी, हत्ता युतुल जिजिया ताय यदि हम साहिरून। अब बताओ इसमें क्या मसला है? इसी आयत से साबित हो रहा है कि इस्लाम में फोर्स कन्वर्जन नहीं है। जी मिर्ज़ा गालिब साहब, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, सब ठीक ठाक? जी बढ़िया, अभी तक तो चले सही है, करो थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा है। नहीं, वक्त का भरोसा नहीं होता ना, तो अपना डायलॉग ही है ये कि अभी तक तो ठीक है। हाँ नहीं, अच्छी बात है, सही बात है। तो आज आपको कट्टर मुनाफिक का लकब दिया जाए या ना दिया जाए? जनाब हम तो बोलते हैं कट्टर मुनाफिक दीनी भाई, ये तो बहुत अच्छा किया, तो इंशाल्लाह अब आपको मुखातब करने में हमें आसानी रहेगी, ये बिल्कुल सही हो गया। पेश करे जरा। अच्छा अब मैं अपनी दलील तो दे दूं भाई, या अपनी दलील ना दूं? अभी तक आप ही की दलीलें चल रही हैं, ठीक है, तो अब मैं अपनी दलील भी दे देता हूँ, दे दे, उस पर भी बात करेंगे। अच्छा जी देखो जी, फर्स्ट एविडेंस, सूरह नंबर 10 आयत नंबर 99, अल्लाह ताला फरमाता है वलौ शाअ रब्बुका लआमन मन फिल अर्ज़ कुल्लुहुम जमीअ अफ अंत तुकरिहुन नास हत्ता यकूनू मुमिनीन। अल्लाह के इंग्लिश तर्जुमा है, हैड योर लॉर्ड सो विल्ड ओ प्रॉफिट ऑल पीपल ऑन अर्थ वुड हैव सर्टेनली बिलीव्ड। ये बयान कुदरत है, पहले ही बता दूं कभी किसी को प्रॉब्लम हो, इवन सिंगल वन ऑफ देम, वुड यू देन फोर्स पीपल टू बिकम बिलीवर्स। अल्लाह ताला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है कि क्या आप लोगों को मजबूर कर सकते हैं कि वो मोमिन बन जाएं? ये आपको हक नहीं दिया अल्लाह ने, ये पहला एविडेंस है, ठीक है, फोर्स कन्वर्जन के खिलाफ। दूसरा एविडेंस, सूरह नंबर 18 आयत नंबर 29, अल्लाह ताला फरमाता है वकुल الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر एंड से ओ प्रॉफिट दिस इज द ट्रुथ फ्रॉम योर लॉर्ड, हूएवर विल्स लेट देम बिलीव एंड हूएवर विल्स लेट देम डिसबिलीव। कि यही हक है तुम्हारे रब की तरफ से, अब लोगों के ऊपर छोड़ दो, जो चाहे ईमान कबूल करे और जो चाहे कुफर करे, इससे बढ़कर और क्या डिक्लेरेशन कुरान का हो सकता है? अगर फोर्स कन्वर्जन पे बिलीव करता तो आयत नाज़िल होती? 9:29 रुक जाइए, हाँ 9:29 ये जो मैंने आयत पेश की है, एक तो 10:99 है, एक 18:29 है, और एक अभी रुक जाइए, अभी आपकी आयत पे आऊंगा मैं, आपको आयत पेश करना चाह रहे हैं क्या? 9:29 सही बोल रहा ना, सूरह तौबा 29। अच्छा, वो रुक जाइए, अभी आपकी आयत पे भी आऊंगा। थर्ड एविडेंस कुरान में है, सूरह नंबर 76 आयत नंबर 3, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, वी ऑलरेडी शोड देम द वे वेदर दे चूज टू बी ग्रेटफुल और अनग्रेटफुल। हमने रास्ता दिखा दिया, अब उनका इख्तियार है, चाहे वो शुक्रगुजार बंदे बने या काफिर बने, वो इम्मा कफूरा काफिर बने, अब बताओ इससे बढ़कर और क्या इख्तियार हो सकता है, कैसा फोर्स? और उसके बाद चौथा आर्ग्यूमेंट, रुक जाओ भैया, चौथा आर्ग्यूमेंट तो सुन लो यार, आयत सूरह नंबर 50 आयत नंबर 45, अल्लाह ताला कहता है नहनु आलमु बिमा यकूलून वमा अंत अलैहिम बिजब्बार फदक्किर बिलकुरान मन यखाफु वईद, वी नो बेस्ट व्हाट दे से, हमें अच्छी तरह पता है वो क्या कह रहे हैं, यानी काफी लोग क्या कहते हैं हमें पता है, अल्लाह कह रहा है एंड यू ओ प्रॉफिट
are not there to force them. Oh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aapko wahan unko majboor karne ke liye nahi bheja gaya ke wo unko majboor karke iman qabul karwaye. So remind with the Quran only those who fear by my warning. Lihaza jo log meri wahi se dar rahe hain, aap unko Quran ke bare mein bata dein. Aapka kaam bata dena hai. Aapka kaam force conversion nahi hai. Wa man ta'alihim bi jabbar. अब वही आयत, आज कोई लाइन नहीं छुटेगी, आप आज हर लाइन को पकड़ा जाएगा आज तो हर लाइन को पकड़ा जाएगा, नहीं अब पकड़े, आप, कोई मसला नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता जनाब। तो अब मैंने पहले भी कहा कि मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया, मुझे मालूम है कि आप तस्लीम नहीं करोगे क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए तस्लीम नहीं करोगे। अब जाहिर है कि इसको हम पब्लिक के ऊपर छोड़ देते हैं। अब आपकी कोई और दलील, आपके तरकश में कोई और तीर हो तो चलाओ देखते हैं। चलाते हैं जनाब, एक मिनट, ये कौन सी है? अच्छा हाँ, कबल इसके के आप वो तीर चलाओ, ये जो मैंने इतनी सारी आयतें पढ़ी थी अभी, इसके बारे में क्या ख्याल है? उसके बारे में यही ख्याल है कि बाद में सहाबाओं ने क्या अमल किया, मैं वो आपको दिखा रहा हूँ, और 9:29 भी इसीलिए ही मैंने आपको दिखाया था। आपको इन आयतों को तस्लीम कर रहे हो? वो कमजोरी की हालत में बोली गई आयत, उस वक्त इतनी पावर नहीं थी। अरे भैया, किसने कह दिया सूर्य, ये आयतें मदनी दौर में नाजिल हुई हैं। मदनी दौर में जाते ही एकदम मजबूत नहीं हो गए थे? मुझे आप बताएं, अल्लाह इकरा फिद्दीन के वक्त और इस आयत के वक्त 9:29 के वक्त क्या मुसलमानों की तादाद बराबर थी? अच्छा, मैंने अल्लाह इकरा फिद्दीन आयत पेश की, चले कोई नहीं, जो आपने 10:99 कौन सी पेश की थी, क्या उस वक्त 9:29 के वक्त बराबर थी? और मैं ये भी बता दूं कि मैंने जानबूझकर पेश नहीं की, वरना सारे मुसलमानों की जबान पे सबसे पहले लाइक राफिद्दीन आती है। मुझे मालूम है कि आप अपने अपने तरकश में कौन सा तीर लाए हुए हैं, पहले ही गिन लिए थे मैंने समझे आयतें पेश की, ठीक है, तो इसलिए लाइक राफिद्दीन को मैंने पेश की। तादाद बराबर थी, चाहे बराबर हो या बराबर हो, मदीने में आकर जिहाद की इजाजत मिल गई थी, सन 2 हिजरी में जिहाद की इजाजत का हुक्म नाजिल हो गया था। अब चाहे पूरी कौम को फोर्स कन्वर्जन किया जाए या एक आदमी को, अगर फोर्स कन्वर्जन की इजाजत होती तो इजाजत दे दी जाती, वो इजाजत कभी कुरान ने मंसूख नहीं की। चलो मैं कहता हूँ शुरू में दे दी थी, जब ताकत हो गई तो उस वक्त मंसूख कर देना चाहिए था, मुझे वो नासिख पेश कर दो, नासिख पेश कर दो इन सारी आयतों को। दिखा तो रहा हूँ, 9:29 दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप 9:73 भी बोलेंगे, वो नासिख नहीं है, वो नासिख नहीं, जो भी हो बाद में जिस पे सहाबाओं ने अमल किया, मैं वो दिखा रहा हूँ। अल्लाह ताला एज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ये कह रहा है कि ए मोहम्मद मा अंता अलैहिम बिजब्बार, आप फोर्स कन्वर्जन नहीं कर सकते, इससे बढ़कर और क्या आयत होगी भाई? खुद कुरान ने कह दिया आप फोर्स कन्वर्जन नहीं कर सकते। वो कहां तक समझ में आ रही है, लेट देम डिसाइड, आपको समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको एक और चीज समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए जंग चल रही है, ठीक है, अब सवाल ये कि जंग कब तक चले, कहीं और नहीं जनाब, 9:29 में कुछ बोलिए तो सही, ऐसा थोड़ी होता है। उसी पर तो बोल रहा हूं मैं, उसी पर बोल रहा हूं। सवाल ये है कि जंग कब तक चले। वो एक मिनट, वो आयत में सामने 9:29 दोबारा लेकर आता हूं, ये रही, नहीं नहीं ये नहीं, या ये। अब देखें इसमें जो है, कातिलु लजीन ला युमिनूना, कातिलु एक तो उख्तुलू नहीं है, ठीक है, कातिलु है, उख्तुलू और कातिलो का फर्क पता है आपको? जबरदस्त माशाल्लाह, तर्जुमे में चल रहा हूँ फर्क पता है आपको उख्तुलू और कातिलु का? तर्जुमे मुझे फर्क बताइए जनाब, अरबी मुझे फर्क मत बताइए। कातिलु का मतलब है कि आपस में जंग करना, यानी उधर से भी हमला हो रहा है, इधर से भी हमला हो रहा है। अब सवाल यह कि मुसलमान आर्मी को यह गाइडलाइन देनी है कि भैया हमला कब तक जारी रखना है, हमला कब तक जारी, कैसे हम समझें कि सामने वाले ने सरेंडर कर दिया। उख्तुलू नहीं, उख्तुलू का मतलब है कत्ल करो, कत्ल करने की बात नहीं हो रही है, कातिलू की बात हो रही है, सामने वाले ने भी हमला किया हुआ है, इधर से भी हमला हो रहा है। अब अल्लाह ताला ने कहा हत्ता युतुल जिज़यत अन यदी वहुम साग़िरून, मैं इसको साबित करना चाह रहा हूं। अब देखो आप, ये है जनाब, तर्जुमा पढ़ के बोलिए ना आप, ये आप तो कुछ भी झूठ भी बोलेंगे अरबी में क्या समझूंगा, आप अरबी में झूठ भी बोलोगे मैं क्या समझूंगा। वो मुझे मालूम है, मैं सच भी बोलूंगा आप समझ ही नहीं रहे हो कुछ भी। अब मैं बता रहा हूँ आपको, तर्जुमा ही करके बोल दीजिए, आप तर्जुमों को हर बार साइड करके बात कर रहे हैं, फिर तर्जुमों को झूठ बोलते हैं, तर्जुमे झूठ। अरे यार मैं तर्जुमा ही कर रहा हूँ भाई, मैं तर्जुमा ही कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ आज आपकी अरबी की, आज आपकी लॉजिक की, अरबी की, फिलोसफी की, ह्यूमन राइट्स की, सबकी क्लास है, मुझे पता है। यहाँ पर कुरान करीम की उस आयत में हत्ता युतुल जिज़्यत अन यदी वहुम साग़िरून, हत्ता का लफ्ज आया नहीं आया,
हत्ता का लफ्ज आया, हत्ता युतुल जिजिया था, हत्ता युतुल जिजिया था, हत्ता का लफ्ज आया, आया सुनाई दे रहा है हत्ता का लफ्ज आयत नंबर 29 में, हाँ या ना? अरे यहाँ नहीं, आयत 29, आयत आयत 29 सूरह तौबा में हत्ता युतुल जिजिया, हत्ता युतुल जिजिया अन यद वहुम सागिरून, हत्ता का लफ्ज है जनाब, मुझे तर्जुमे से ही बात कर लेना, क्यों आप है, हाँ या ना? हत्ता का लफ्ज है, हत्ते में मत जाए आप, हत्ते में मत जाए, तर्जुमे बोले बोले तर्जुमे झूठे हैं, हत्ता उखाड़ रहा है भैया आपका, इसीलिए हत्ता के ऊपर बात हो रही है, तर्जुमा का लफ्ज बात कर रहे हैं आप, का लफ्ज मौजूद है या नहीं? चलो ठीक है, आपको आपको इस वक्त आई नो कि आप अपने सेंसेस खो चुके हो, लेकिन आवाम को समझ में आ रहा है ना? अरे मैं तर्जुमे पर वापस आऊंगा, अभी अभी उसी जगह जा रहा हूँ, पहले मैं आपको हत्ता के लफ्ज के बारे में बता दूं, हत्ता हरफु जर्रिन यदुल्लु अलल इंतिहाई अई इंतिहाई गायत ज़मानिया, हत्ता हरफे जर है, यानी इसको अंग्रेजी में प्रीपोजिशन बोलते हैं, जो इस बारे इसको बयान करने के लिए, जो लिमिट को एंडिंग को बयान करने के लिए आता है, यानी किसी पीरियड ऑफ टाइम के एंडिंग को। अब इस हत्ता को समझने के बाद अब यहां पर ये आयत नंबर 29 दोबारा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये रही आयत, यहां पर देखो ये हत्ता, हत्ता युतुल जिज़ियत अन यदि वहुम सागिरून, तो लोगों को ये कहा जा रहा है मुसलमानों को कि भाई देखो जंग अगर हो रही है, सामने वाले ने हमला किया, तुमने हमला किया, आपस में जंगे चल रही है, जंग तो होगी जाहिर है, कोई भी निजाम होगा तो जंग होगी, तो कोई भी आदमी जंग के खिलाफ नहीं बोल सकता, सुनिए जंग हो रही है, कातिलू के माने जंग के हैं, अब मुसलमानों को ये भैया जंग कब तक करनी है, उसकी यानी हमें कैसे पता चले कि सामने वाला सरेंडर कर देगा, तो सरेंडर की ये लिमिट बयान की गई, हत्ता युतुल जिज़िया था कि जंग यहां तक चलेगी, उसके आगे नहीं चलेगी, जंग को फौरी तौर पर रोक देना है, क्योंकि सामने वाले ने सरेंडर कर दिया है, जंग का मकसद ये होता है कि आप अपने दुश्मनों को सरेंडर करवाएं, सरेंडर हो गए, जंग जो है फौरन रुक जाएगी, अब आप कत्ल नहीं कर सकते किसी को, चाहे वो कलमा पढ़े ना पढ़े। अगर एक बात बताओ, इसी आयत से साबित होता है कि इस्लाम में फोर्स कन्वर्जन नहीं है, क्योंकि जब सामने वाले ने जिजिया देकर आपका सबमिशन कबूल कर लिया, तो उससे तो कलमा पढ़वाना बहुत आसान था, उससे कलमा क्यों नहीं पढ़वा रहे, क्यों उसका जिजिया ले लिया? अगर फोर्स कन्वर्जन इस्लाम, एक मिनट, अगर फोर्स कन्वर्जन इस्लाम में होता तो जिन लोगों ने जिजिया देकर इस्लाम की ये मुसलमानों की मातहती कबूल कर ली, उनको तो तलवार की, उनसे तो कुछ भी नहीं करना था, उनको तो आंखें दिखानी थी, चलो भाई कलमा पढ़ो जल्दी से, कोई बात नहीं हो रही है, ये क्या कहा जा रहा, चूंकि सबमिशन उन्होंने सरेंडर कर दिया, लिहाजा मजीद जंग नहीं होगी, हत्ता युतुल जिज़्यत अन यदि वहुम सागिरून, अब बताओ इसमें क्या मसला है, इसी आयत से साबित हो रहा है कि इस्लाम में फोर्स कन्वर्जन नहीं है। इसी आयत से साबित कर दिया मैंने कि इस्लाम में फोर्स कन्वर्जन नहीं है, लड़ने को कहा जा रहा है जनाब, क्योंकि क्योंकि अगर इस्लाम में फोर्स कन्वर्जन होता तो आयत में यह होता कि देखो अब वो जिजिया दे चुके हैं ना, तो जिजिया भी ले लो, कलमा भी पढ़ाओ, आपको कुरान से, एक मिनट, आपको कुरान से साबित करना है, क्योंकि कुरान की आयत है, कुरान से साबित करना है फोर्स कन्वर्जन, कुरान से साबित करना है फोर्स कन्वर्जन, और क्या है जो 9:29 है उसमें फोर्स कन्वर्जन नहीं, उससे फोर्स कन्वर्जन के खिलाफ साबित हो रहा है, उसमें जिजिया का तस्किरा जिजिया कन्वर्जन नहीं है, जिजिया कन्वर्जन होता है, एक आदमी जिजिया दे रहा है तो उसका मतलब वो मुसलमान हो गया, भाई उनसे इस्लाम ना कबूल करने की सूरत में बकायदा गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है, कोई बात ही नहीं है, एक मिनट, कन्वर्जन का मतलब ये होता है, कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि नहीं एक ही ऑप्शन है, फोर्स कन्वर्जन का मतलब है एक ही ऑप्शन है, इस्लाम कबूल करो, जिजिया का ऑप्शन क्यों है माउस आयत में, तुम्हारी जो सबसे मजबूत दलील के लिए, आपकी जो सबसे मजबूत दलील आया नंबर 29 है मेरे भाई, उससे तो फोर्स कन्वर्जन के खिलाफ बात साबित हो रही है, अब वो आप कुछ भी समझे वाले कुछ भी समझे, लेकिन दुनिया को पता अगर किसी पे तीन शर्तें रखी जा रही हैं, तो कुरान करीम से आपको ये साबित करना पड़ेगा कि मा अंत अलैहिम बिजब्बार, कि आपको जब्बार यानी फोर्स कन्वर्टर बनाकर नहीं भेजा गया, ये आयत गलत है, ये साबित करो कुरान से, नहीं 9:29 को आप मत मानो, ठीक है ना, मसला नहीं मान रहा हूं मैं, अरे मैं मेरी क्या मजाल के मैं कुरान के एक हर्फ का इनकार कर दूं, मैं इस्लाम से ना खारिज हो जाऊं, बिल्कुल नहीं, ये आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में डाल रहे हो, बिल्कुल नहीं, मैं उस आयत का वो मतलब बयान कर रहा हूँ जो उस आयत में लिखा हुआ है, जो उस आयत में लिखा हुआ है, मैंने ना किसी तफसीर का सहारा लिया ना किसी हदीस का सहारा लिया, उसी आयत से साबित किया होता है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे भाई जिहाद क्यों होता नहीं, है। मुझे आप बताएं उसका तर्जुमे में बात करें। नहीं नहीं नहीं, लड़ने की बात की जा रही है, मुझे जवाब देने दोगे, किनसे लड़ने की बात की जा रही है, जवाब देने दोगे ना तो तभी तो दूंगा मैं जवाब। देखो इस आयत में, ये आयत सूरह नंबर 22 आयत नंबर 39 है, अल्लाह ताला फरमाता है उज़िना लिल्लज़ीना युकातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाह अला नसरिहिम लक़दीर, परमिशन टू फाइट बैक इज हियर बाई ग्रांटेड टू दोज बीइंग फॉट फॉर दे हैव बीन रॉन्ग्ड। यानी जंग लड़ने की इजाजत इसलिए दी गई चूंकि इनके ऊपर जुल्म हुआ है, लिहाजा जुल्म को दफा करने के लिए, जुल्म को खत्म करने के लिए जंग की इजाजत दी गई। और मकसद जिहाद का और जंग का यहां है बी, ये जो बी है ना, बी अन्नहुम ज़ुलिमू बा सबबियत के लिए आता है अरबी जबान के अंदर, यानी सबब बयान करने के लिए। जुल्म सबब बना है जिहाद की लीगैलिटी का, जिजिया सबब नहीं बना है। जिजिया के जहां जिजिये की बात है आयत नंबर 29 में, वहां हत्ता का लफ्ज आया है और हत्ता के माने हैं कि यहां चूंकि जिजिया देकर यह साबित हो रहा है कि दुश्मन ने सरेंडर कर दिया, लिहाजा अब आप उनको नहीं मार सकते, उनके ऊपर हथियार नहीं उठेगा चूंकि सरेंडर कर चुके हैं। ये तो जंग के आला तरीन एथिक्स, ये तो जंग के आला तरीन एथिक्स हैं जो दुनिया ने हमसे लिए हैं। Let the public decide. एक चीज को बार बार रिपीट करके कोई फायदा नहीं है। और कुछ है? सही मुस्लिम 1765 जरा पेश करें, इंटरनेशनल नंबरिंग से 1765 है। आप इस हदीस से, आपके इस हदीस के पेश करने का मकसद फोर्स कन्वर्जन को साबित करना था ना, यही था ना, इस्लाम में आने के लिए फोर्स करना, फोर्स कन्वर्जन को साबित करना था ना, हाँ या ना, हाँ या ना, चले बोले हाँ, साबित करो इस हदीस से, बताओ किधर लिखा है फोर्स कन्वर्जन हो गया, साबित करो उन्हें इस्लाम में आने के लिए फोर्स किया जा रहा है या नहीं, नहीं किया जा रहा। रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मैं, यहूद भी ये कह रहे हैं, यहूद भी यही कह रहे हैं कि कद बल्लगता, आपने अपनी बात पहुंचा दी, आपका काम तबलीग करना है। यहूद कह रहा है, यहूद यस, यहूद बेबहबूद कह रहा है, लेकिन मिर्जा गालिब नहीं समझ रहा है। वाह भाई वाह, उस पर हुजूर ने क्या कहा, उस पर हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये स्टेटस बयान कर दिया उस इलाके का कि देखो जजीरतुल अरब में, हाँ उस इलाके का ये स्टेटस है कि ये इलाके पर, यहाँ इलाके पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का निजाम चलेगा। यही वजह है, मैं बता देता हूँ आपको, कि यहूदियों ने इस्लाम मुकम्मल तरीके से कबूल नहीं किया। तैमा और अरीहा एक जगह है जो जजीरतुल अरब के किनारे पर है, वहां उनको सेटल कराया गया कि तुम यहां रहो, और वो भी इस्लामी हुकूमत में ही थे, इस्लामी हुकूमत से उनको निकाला नहीं गया, उनको इस्लामी हुकूमत में बाकी रखा गया तैमा और अरीहा में। आपको पता भी है, अगर फोर्स कन्वर्जन होता, एक मिनट, अगर फोर्स कन्वर्जन होता, अगर फोर्स कन्वर्जन होता तो उनको रिलोकेट ना कराया जाता, बल्कि यह कहा जाता देखो भैया जा किधर रहे हो, ये रही तलवार, किधर जा रहे हो, पढ़ो कलमा, ठीक है। मतलब ऐसा है, लेट द पीपल डिसाइड, ठीक है, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। आज आप इस नियत से आए थे, मुझे मालूम है, कोई नहीं, कोई नहीं, मुझे मालूम है, ये साहब आज बैठे हुए एक स्ट्रीम पर कह रहे थे, एक साहब ने मुझे जो है वो वीडियो भेजी कि मैं तो एक ऐसी दलील लेकर जा रहा हूँ, मुफ्ती साहब को पहले ही विकेट में, पहले ही बॉल में बोल्ड कर दूंगा। इसीलिए मैंने बोल देंगे आपको, आपको मेरी एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी, और वो तारीफ ये है कि मैंने ला इकराहा फिद्दीन की आयत पेश ही नहीं की, और आप ये, और आप ये इंतजार में बैठे थे कि मैं खट से लाइक राफिद्दीन पेश करूंगा, है ना, नहीं फटाफट कह दूंगा कि उस वक्त तादाद कम थी, नहीं, और मैं कह दूंगा कि आयत मंसूख हो गई, इब्न कसीर में लिखा है वो तो की तादाद से क्या होता है, हमारी तरफ से एक बात नहीं हुई, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम कुछ करेंगे, हमने कहा कि भैया आप रिवायत पेश करेंगे, अगर हमें पता होगा हम जवाब दे देंगे, नहीं पता होगा हम तहकीक करके आपके सामने, ये हमारा तवाज़ो का मेयार है। हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तवाज़ा अलिल्लाही रफ़ाहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसको बुलंद करता है। आपने तवाज़ो इख्तियार नहीं की मिर्ज़ा ग़ालिब, ये बड़े बड़े दावे आपके सामने आकर पड़ गए, आपके अपने लोग जो आपको नंबर तीन कहते हैं कि आप उस बैटिंग लाइन के तीसरे ऑर्डर के बैट्समैन हो, तो देखो जी क्या धज्जियां उड़ी हैं।